आजाद भारत के इतिहास में जो दुर्दशा आज किसानों की है, ऐसी दुर्दशा, ऐसा दुर्व्यवहार किसी अन्य सरकारों में देखने को नहीं मिली। अन्नदाता को फसलों के लिए जब पानी की जरूरत थी तो नहरों में पानी नहीं था, और आज जब यूरिया और डीएपी खाद की जरूरत है तो किसान रात रात भर सो नहीं पा रहा है। खाद केंद्रों पर किसान तथा बच्चे लाइन लगाए खड़े हैं, पूरा दिन मजदूरी का नुकसान हो रहा है, उसके बाद भी किसानों को खाद मुहैया नहीं हो पा रही है। मौजूदा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। चारों तरफ से अगर हमला हो रहा है तो किसानों और नौजवानों पर हो रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि देश के अन्नदाता और नौजवानों के साथ यह दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। एक तरफ देश कोविड 19 के संक्रमण से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ किसान के पैदावार की लूट हो रही है। उसे उसकी पैदावार का मुनासिब दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल पा रहा है, किसानों के धान की फसलें खाद न मिलने से बर्बाद हो रही है। अन्नदाता पर यह अत्याचार क्यों? समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों को मुफ्त पानी देने का काम किया गया, खाद का भंडार आवश्यकता से ज्यादा रहता था। उन्होंने चैलेंज भरे शब्दों में कहा कि बछरावा विधानसभा में उनके विधायक रहते न किसानों को अपनी आवश्यकताओं के लिए लाइन लगाना पड़ा और न मजदूरों को काम के लिए दर दर भटकना पड़ा और न ही नौजवान बेरोजगार था। सबको समय पर उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद, बीज, बिजली, पानी, रोजगार मुहैया कराने का काम किया गया है। उक्त उद्गार महाराजगंज के बछरावा रोड पर स्थित एक सपा नेता के प्रतिष्ठान पर के पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए हैं। आइए देखते हैं, एसके इंडिया न्यूज लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। विधायक जी, लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हो तो इस समय किसानों की क्या स्थिति है, क्या इस बात से अवगत है समाजवादी पार्टी और आप? देखिए, ऐसा है, मैं लगातार क्षेत्र के किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में मैं रहने का काम करता हूं, और जो दुर्दशा आज किसानों की है, आजाद भारत के इतिहास में इतनी दुर्दशा, इतना दुर्व्यवहार किसानों के साथ कभी देखने को नहीं मिला। एक तरफ जब जरूरत थी तो नहरों में पानी नहीं था, आज जब जरूरत है यूरिया और डीएपी खाद की, एक एक बोरी खाद के लिए किसान रात रात भर सो नहीं पा रहा है, और रात में खाद के केंद्रों पर किसान लाइन लगाए खड़ा है, बच्चे लाइन लगाए खड़े हैं, पूरे दिन की मजदूरी का नुकसान हो रहा है, और उसके बाद भी किसानों को खाद मुहैया नहीं हो पा रही। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर ये भाजपा सरकार किसानों से इतनी बड़ी दुश्मनी अदा करने का काम क्यों कर रही है? एक तरफ कोरोना की महामारी, किसान की पैदावार की लूट हो रही, उसे दाम नहीं मिल रहा है, मजदूर काम नहीं पा रहा है, किसान कि धान की फसल बर्बाद होती जा रही है खाद के बगैर, किसान के ऊपर चारों तरफ से इस सरकार ने महंगाई की मार, खाद की मार, बेरोजगारी की मार, चारों तरफ से हमला अगर हो रहा है तो किसानों के ऊपर हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में किसानों को मुफ्त पानी देने का काम किया, हमारी सरकार में खाद का भंडार लगातार आवश्यकता से ज्यादा रहता था, और कभी चुनौती देता हूं इस बात की कि रामलाल अकेला के विधायक रहते हुए बछरावा विधानसभा क्षेत्र में किसी किसान को खाद के लिए लाइन लगाने का काम नहीं करना पड़ा। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि खाद की कालाबाजारी बंद करो, किसानों के दर्द को पहचानने का काम करो, और अगर काम ये सरकार ने नहीं किया, खाद किसानों को मुहैया कराने का काम आसानी से नहीं किया, तो समाजवादी पार्टी चुपचाप बैठकर तमाशा देखने का काम नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी किसानों के हक में, किसानों की समस्या को लेकर के फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, लेकिन किसानों की दुर्दशा को
किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर विधायक जी, हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टी के लिए तो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर किसानों के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। नहीं, किसानों के लिए अभी याद होगा आपको कि हमने तहसील परिसर में जाकर के हजारों लोगों के साथ मैंने एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने का काम किया, मैंने खाद की आवाज उठाने का काम किया। लगातार हमारे क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर खाद की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। आज किसानों के लिए खाद जीवन मरण के बराबर हो गई है और ये सरकार ने इमरजेंसी लगा रखी है कोरोना के नाम पर। कोरोना की रोकथाम भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। आज कोरोना हमारा भारत में कोरोना जो है विश्व के पार होता जा रहा है और इस सरकार ने कोरोना से निजात दिलाने के लिए कोई बेहतर इंतजाम करने का काम नहीं किया। लाखों करोड़ों मजदूरों की रोटी छिन गई, काम छिन गया, मजदूर सड़कों पर मारा मारा घूम रहा है। क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह बदहाल हो गई, टूट गई। चाहे भवानीगढ़ से बिड़ारू सड़क का हाल देख लो, चाहे भवानीगढ़ से लाही बॉर्डर सड़क का हाल देख लो, चाहे महाराजगंज से इन्होना मार्ग का हाल देख लो, आज सड़कें पूरी तरीके से गड्ढों और तालाबों में तब्दील होती जा रही हैं। न इस सरकार को चिंता है, न हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी को चिंता है और ऊपर से बिजली की आवाजाही ने किसानों की जिंदगी को और बर्बाद कर दिया है। बच्चे पढ़ाई के लिए परेशान है, किसान खाद के लिए परेशान है, सड़क पर चलने वाले लोग टूटी सड़कों पर चलने के लिए परेशान है। जिस तरीके से आज पूरे क्षेत्र में जंगल राज कायम हो गया, पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, विकास के नाम पर बर्बाद होता जा रहा है, मैं अपने क्षेत्र के नागरिकों को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि आपके धैर्य की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, लेकिन धैर्य की एक सीमा होनी चाहिए। आज जिस तरीके से अत्याचार अनाचार हमारे आपके ऊपर, किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार इस सरकार में हो रहा है, इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लड़ने के लिए हमको, आपको, सबको तैयार होना पड़ेगा। वरना ये सरकार पूरे अपने कार्यकाल में किसानों को कंगाल कर देगी, मजदूरों को बर्बाद कर देगी। एक एक रोटी के लिए हमको, आपको मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मतदान अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि घरों से निकलो और खाद की कालाबाजारी को रोकने का काम करो, रिश्वतखोरी दलाली का माहौल खत्म करो, किसानों को सुविधाएं देने का काम करो, सड़कों पर नजर दौड़ाने का काम करो। आज जो सड़कें चलने लायक नहीं है उन सड़कों की हालत देख करके उन सड़कों की मरम्मत जीर्णोद्धार कराने का काम किया जाना चाहिए, मेरी इस सरकार से मांग है। मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं किसानों से कि रामलाल अकेला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को हमारे रहबर, हमारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि किसानों की हक की लड़ाई को समाजवादी पार्टी के बहादुर साथियों को किसानों के साथ मिलकर लड़ने का काम करना चाहिए और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आदेश पर और किसानों के दुख और दर्द को देखते हुए हम किसानों की लड़ाई अपने क्षेत्र में लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल, जब भी हमने कोई जन समस्या उठाई है आपके चैनल ने हमारे साथ रहकर, किसानों के साथ रहकर, क्षेत्र की जनता के साथ रहकर किसानों की आवाज को उठाने का काम किया है और हमारे क्षेत्र की जनता आपके चैनल की सदैव ऋणी रहेगी और आपसे उम्मीद करता हूं किसी तरीके, बेबाक तरीके से किसानों की लड़ाई में आपका चैनल किसानों का सहयोग करने का काम करेगा।